अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना पुलाव, बिल्कुल देग स्टाइल वाला, जैसे कि हम खाते हैं अक्सर महफिल मिलाद वगैरह में बनते हैं, न्याजों में बनते हैं, लंगर वगैरह का अहतमाम किया जाता है उसमें बनते हैं। तो क्योंकि आज 11वीं शरीफ की भी महफिल है, अक्सर लोग घरों में बनाएंगे अपने, तो ये रेसिपी आप ज़रूर नोट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे बने। और बिल्कुल ही आसान और ईजी करके मैं आपको हर रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, चना पुलाव बिल्कुल देग स्टाइल वाला, एकदम खिला खिला मज़ेदार सा लजीज चना पुलाव बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और क्या चाहिए होगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना पुलाव, उसके लिए देखें मैंने ये चने ले लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, इनको थोड़ा सख्त ही रखा है क्योंकि हमने इनमें चावलों में ऐड करने। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या डलेगा इसमें, मसाले वगैरह सब देख लेते हैं इसके। मैंने प्याज ली, इसको ब्राउन करेंगे हम। देखें 2-3 अदद प्याज थी, इसको हमने स्लाइस में काट लिया है, ऐसे टमाटर काट लिए हैं, साथ ही हरा धनिया पुदीना है, इसको भी हमने काट के सुखा लिया है। हरी मिर्ची हैं, देखें कितनी ली हैं हमने। चावल जो हैं हमने भिगा लिए थे अपने, हमारे 1.5 किलो के करीब चावल है, उसमें देखेंगे खड़ा गर्म मसाला हम शामिल करेंगे। इसमें तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 8-10 अदद जो है दालचीनी के टुकड़े हैं, काली मिर्चें हैं 8-9-10, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 फुलवादियन है और लौंगे हैं 8-10 अदद। ठीक है, ये तो वो गर्म मसाला हो गया जो कि हमने साबुत शामिल करना है, बाकी जो मसाला हमने पीस के शामिल करना है वो देख लें। ये धनिया है देखें 1 टेबल स्पून के करीब, ये छोटा छोटा सा वाला, और सौंफ भी 3 है, ज़ीरा 2 है, 1/2 टीस्पून के करीब है, साथ में देखें ये फूलबादियन की ही पत्तियाँ हैं, 1 जायफल है और थोड़ी सी जावेत्री है। इसको हम जो है अच्छे से पीस लेंगे, मसाला सा बना लेंगे, जैसे बिरयानी मसाला बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही ये शामिल करेंगे। ऑयल ले लिया है हमने 1 कटोरी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच के करीब जो है हमने नमक लिया है, बाकी हम चावल जब ऐड करेंगे जब हसब ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, 2 बड़े चम्मच। ठीक है, तो बस यही सब डालेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना चना पुलाव। एक देगची ले ली, उसमें प्याज शामिल करेंगे लाल करने के लिए, प्याज को ब्राउन करना है हमने, पुलाव में बहुत अच्छी लगती है ये ब्राउन प्याज। ये देखें ये अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ मैं इसमें, 1/2 प्याज हमने निकाल ली, 1/2 फोड़ दिए इसमें। गरम मसाले ऐड करेंगे इसमें, अदरक लहसुन अच्छे से हमने भून ले, टमाटर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, रेड चिली पाउडर, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले को। छोले ऐड कर रही हूँ, चनों को थोड़ा पकाएंगे हम मसाले के साथ ताकि अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाए चनों में भी। साथ ही मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो पीस लिया है, वो शामिल कर रहे हैं इसमें। अच्छे से भून लेते हैं इसको हम। चावल मैंने सोक करे हुए थे, बस मैं इनको शामिल करूंगी कि इस तरीके से कि फूल गए, सोक हो गए।
बस हम अपने छोलों के अंदर ऐड करेंगे चना पुलाव के अंदर चावल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने जब वो चनों को बॉईल किया था तो उसका पानी फेंका नहीं था, वो रख लिया था स्टॉक उसका। अब जब हम चावल डालेंगे तो यही पानी हम शामिल करेंगे, ठीक है। बाकी कच्चा पानी हमने अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम ऐड करेंगे, वरना हम ये स्टॉक ही ऐड करेंगे चने का, ठीक है। मैंने चावल ऐड कर दिए और वो चने का जो स्टॉक था वो ऐड कर दिया। अब थोड़े से मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ इसमें, और जो हमने मसाला बनाया था जैसा मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने जब छोलों में ऐड किया था, बाकी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, अब मैं इसमें हसब ज़रूरत पानी शामिल करूँगी और नमक बस, ठीक है। देखिए किस तरीके से चावल हमारे पकने शुरू हो गए, बस मैं इसे ढकूँगी। सब कुछ हमने ऐड कर दिया अपने चना पुलाव के अंदर, पर जैसे ही बनता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से ये हो रहा है हमारा पुलाव, चना पुलाव कैसा खिला खिला सा पक गया है। बस थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, इसे हम खुश करेंगे और जो 10% पानी रह जाएगा तो फिर हम दम पे इसे लगाएंगे, ठीक है। देखें आप एकदम खिले खिले से हमारे चावल हैं। कितनी ज़बरदस्ती हमारे चना पुलाव रेडी हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी टच दिया है जर्दे का कलर डालकर। तो चलिए बस इसे निकालते हैं, गरम गरम सर्व करते हैं। देखें कैसे धुआंधार सा, ये देखें कैसे ज़बरदस्त है हमारा चना पुलाव बनकर रेडी हो गया, धुआं निकलता हुआ। देखें चावल, देखें आप कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं खिले खिले से। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपकी मेज़बान निदा हबीब, अल्लाह निगेबान।